और गहना को इस मंच पर जोरदार तालियों के साथ। गौरव वेलकम गहना, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको गौना एक प्रथा के लिए। वी कांट वेट टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू गौरव, सब उत्सुक हैं आपसे कुछ शब्द सुनने। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और एक्साइटमेंट तो मुझे भी बहुत ज्यादा है, एंड एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया मैं ये सब देखकर। इतना ब्यूटीफुल उन्होंने आर्ट किया और हमारे शो का प्रोमो देखकर जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर किया, सो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। आई होप आप लोग भी इतने एक्साइटेड होंगे शो देखने के लिए। कहना कुछ कहना? जी बिल्कुल, बहुत कुछ कहना और आप सब ये बिल्कुल देखना। और शुक्रिया आप सब यहाँ आए अपना वक्त निकालकर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आप हमारी जो गहना की कहानी है और हमारा जो शो गौना है ये लोगों को बिल्कुल अपने माध्यम से पहुंचाए, और हम चाहते हैं कि लोग नई नई कहानियां देखें। थैंक यू। बहुत एक्साइटमेंट है, गौना की पहली झलक बहुत प्यारी लगी और भी देखना चाहते हैं। ऑफकोर्स सोमवार से शनिवार तो आने ही वाला ही है हमारे घरों में, लेकिन आई थिंक एक और झलक तो बनती है, राइट? यस, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जी बिल्कुल, स्पीड ब्रेकर तो हमारी जिंदगी में हमेशा आते ही रहते हैं और हर प्रेम कहानी में ऐसा कुछ होता ही है, पर हम उससे पार करके आगे कैसे बढ़े वो सबसे महत्व है। और ये तो हम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और इसी बात पे जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारी खूबसूरत उर्वशी का। वेलकम उर्वशी एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच पूजा, से कुछ शब्द हो जाए। जैसे मेरे दो को एक्टर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए हैं हमारे लॉन्च के लिए, हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से आप लोगों का दिल जीत सके। हम बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए, शो पसंद आएगा। ये जो गौना का कॉन्सेप्ट है, मैं सबसे पहले से पहले कि हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ओपन करें, अब में गहना है और गहना और गौरव का गौना है। वाह, आई एम स्टार्ट नहीं था ना, आई डिड दैट राइट, यू नो मी, ओके ग्रेट। सो इस सब में गहना की जो अपेक्षा है वो कैसे पूरी होने वाली है? गहना की इस कहानी में जो अपेक्षाएं है वो गौरव तो खैर पूरा नहीं करते, लेकिन गहना जाके पूरा करवा लेती है, क्योंकि गहना है ही ऐसी कि अगर वो एक बार कुछ ठान लेती है तो वो करके ही छोड़ती है। तो दिस इज व्हाट इट इज, शी इज वेरी सिंपल केयरिंग, और जैसे प्रोमो में भी बताया है इसके पहले, वो बड़ी सी शिव भक्त है। तो ये कैरेक्टर जो मुझे स्टार्टिंग में पता लगा था, तो बचपन से हमें ये आदत है, बिकॉज मैं पेरेंट्स के साथ, मम्मी और नानी के साथ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ, तो बचपन से ही हमारा रिचुअल था कि रेडी होके जाना है, शिव मंदिर जाना है, जल और दूध चढ़ाना है। तो इट वॉज वेरी वेरी कनेक्टिंग टू मी, तो आई सेड या लेट्स गो फॉर इट। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि वो जो आपने जल और दूध चढ़ाया और जो आपने इतनी श्रद्धा से उनको पूजा, तो आपको इतना खूबसूरत किरदार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मिला? बिल्कुल, आई एम लाइक व्हाट आई वांटेड, मुझे मिल गया है, सो आई एम लिविंग माई ड्रीम विद दिस कैरेक्टर नाउ। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि गौना अपने आप में एक बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और इस शो के जरिए उस पे एक मॉडल फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स? जनता भाई इन टू मिनट्स, जनता भाई साउंड इज ओके नाउ, वी विल जस्ट आस्क देम अ फ्यू मोर क्वेश्चंस बिफोर वी टेक इंडिविजुअल बाइट्स फ्रॉम देम। बस ऑलमोस्ट हो गया है ये फोटो ऑफ, नहीं नहीं माइक सॉर्ट हो गया, माइक सॉर्ट हो गया है, साउंड इशू सॉर्टेड। वो भी कर लेती ना, मेरा नाम बदल दो।
लक्षण ही है पकने के. सो हम यही पूछ रहे थे कि